योगी मोदी तुमसे बैर नहीं, प्रत्याशी की खैर नहीं। ब्रेकिंग न्यूज है औरैया से, जहां बिधुना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रिया शाके के विरोध में उतरे बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता। बीजेपी पार्टी कार्यकारिणी औरैया ने जमकर खुले मंच से किया विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी बीजेपी प्रत्याशी रिया शाके के खिलाफ। घर से जंग के साथ अब पार्टी की गुटबंदी और विधायक विनय शाके के खिलाफ आक्रोश फूटा। बेटी प्रत्याशी बीजेपी रिया शाके के खिलाफ सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को लिया अपनी अभिरक्षा में। बिद्रा कोतवाली क्षेत्र के रामलीला मैदान का मामला। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह। कहाँ रहते हैं? जागूपुर। अच्छा, आज जो आप विरोध कर रहे हैं, ये क्या मामला है, थोड़ा बताएंगे आप? ये मामला है सर, हम कार्यकर्ताओं को जिस घर से बेइज्जती मिलती है, हम लोग जिस घर से हम लोग प्रताड़ित करे जाते हैं, उसी घर में बार बार टिकट दे दी जाती है। इसी 2017 में भी यही टिकट दी गई थी। इसके बाद इनके पिताजी सपा में जाने के बावजूद, उनका पूरा परिवार सपा में जाने के बावजूद, केवल उनकी एक ही पुत्री, उनको टिकट दे दी गई। हम कार्यकर्ताओं को जो बहुत ही मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, और फोन पर गालियां दी जाती है हम लोग। हम लोग क्या मुझे वोट देते हैं और इसके बावजूद उन्हीं को टिकट दी जाती है, इसीलिए सारे क्या वोट डालने के लायक ही है। कौन लोग गालियां दे रहे थे? गालियां कौन लोग दे रहे थे? देवेश साहब, उनके चाचा। रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई है। रिया साहब के चाचा आज रिया साहब।